इसराइल और ईरान में भीषण तनाव, कौन देश किसका कर रहा बचाव, इसराइल के साथ मुस्लिम देश कैसे आए, ईरान के मिसाइल हमलों से कौन बचाए। इसराइल और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसकी बजाय यह बढ़ता ही जा रहा है। देर रात ही इसराइल पर ईरान ने हमला कर दिया। 150 क्रूज मिसाइलों और 200 से ज्यादा ड्रोन के जरिए ईरान ने जबरदस्त हमला बोला। हालांकि गनीमत रही कि इस हमले के लिए इसराइल और अमेरिका पहले से ही अलर्ट मोड पर थे और तैयार भी थे। इसराइल का आयरन डोम सिस्टम पहले ही हमले के बाद तुरंत एक्टिव हो गया और उसकी आने वाली मिसाइलों को हवा में ही उड़ाने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने पहले ही आशंका जताई थी कि ईरान एक जोरदार हमला करने को आमादा है। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इसराइल चाहता था कि ईरान हमला करे। रविवार को ही हुआ हमला ईरान से ज्यादा इसराइल के लिए कामयाबी के तौर पर देखा जाने लगा है। लेकिन दुनिया भर के मुस्लिम देशों में से दो मुस्लिम देश इसराइल के साथ नजर आने लगे। इनमें इंडोनेशिया और सऊदी अरबिया का नाम सबसे पहले है, जिसके बाद से ही अब सवाल है कि क्यों मुस्लिम देश ईरान से भागते हुए नजर आ रहे हैं। एक और मुस्लिम देशों का संगठन इसराइल फिलिस्तीन वॉर पर चर्चा कर रहा था और युद्ध खत्म करने के लिए इसराइल पर दबाव बना रहा था, तो दूसरी ओर इसराइल अब इस्लाम के खिलाफ भी खुलकर बोलने लगा है। लेकिन फिर भी ये दो मुस्लिम देश इसराइल का साथ दे रहे हैं। दूसरी ओर सवाल है कि कौन से देश ईरान के साथ हैं। तो बता दें कि ईरान और इसराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती हैं, लेकिन इसराइल के पड़ोसी देश लेबनान, सीरिया और फलस्तीन में ईरान की पैठ को नकारा नहीं जा सकता। ईरान के हालिया हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने पहले एयर स्पेस को बंद कर दिया। वहीं सीरिया और जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो कतर और कुवैत दोनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों का इस्तेमाल करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इन दोनों देशों ने अमेरिका से कहा कि वो ईरान के खिलाफ इस संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसराइल चाहता था कि ईरान सीधे युद्ध में उतरे। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास ने हमला किया था। इसके बाद लेबनान का हिजबुल्ला भी इसराइल पर रॉकेट बरसा चुका था। वहीं लाल सागर में इसराइल से जुड़े जहाजों को यमन के हुती विद्रोहियों की ओर से निशाना बनाया जा रहा था। इन्हें ईरान से समर्थन मिलता है। मिडिल ईस्ट में ईरान के कई और भी प्रॉक्सी हैं जो अमेरिका और इसराइल को निशाना बनाते रहे हैं। ईरान उन्हें हथियारों की सप्लाई करता है और खुद दूर बैठकर तमाशा देखता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि जो मुस्लिम देश इसराइल के साथ जा रहे हैं, क्या वो भविष्य में ईरान का साथ देंगे या फिर ईरान के लिए ही मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर देंगे, क्योंकि पहले से ही ईरान के खिलाफ यूके, अमेरिका जैसे बड़े देश उतर चुके हैं। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में ईरान की मुश्किलें कितनी और बढ़ सकती हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर दे सकते हैं और सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।